In this lesson, we will learn about remoteness of damage. Remoteness of damage. The consequences of a wrongful act may be endless. No defendant can be made liable ad infinitum for all the consequences which follows his wrongful act. The defendant is only liable for consequences which are not too remote or proximate. Remoteness of damages means होता है कि अगर कोई भी डैमेज या हार्म या लॉस हुआ है तो वो एंडलेस हो सकता है, यानी कि उसका बहुत दूर दूर तक वो लॉस हो सकता है. तो डिफेंडेंट जो है वो पूरे लॉस यानी कि सारे लॉसेस के लिए वो लायबल नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होगा जो कि ज़्यादा दूर ना हो, नॉट टू रिमोट. तो इसको टेस्ट करने के लिए कई तरह के दो तरह के टेस्ट हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ तक ये लायबल है. एक केस के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या है ये. स्कॉट वर्सेस सेफर्ड, इसमें ए थ्रू अ लाइटेड स्क्विब इनटू क्राउड, इट फेल अपॉन एक्स, एक्स टू प्रिवेंट हिमसेल्फ थ्रू इट ऑन वाई, वाई इन टर्न थ्रू इट ऑन बी, एंड बी लॉस्ट हिज वन ऑफ द आईज. यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने एक लाइटेड स्क्विब क्राउड में फेंका और वो एक्स पर गिरा. एक्स ने अपने आप को बचाने के लिए उसको वाई पर फेंक दिया और वाई ने उसको बी पर फेंक दिया. बी को इससे एक हार्म हुआ जिससे कि उसकी एक आंख चली गई. तो इसके लिए इसमें हियर ए वाज हेल्ड लायबल बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेज वर प्रॉक्सीमेट. यहाँ पर ए को उसके लिए लायबल बनाया गया क्योंकि उसी के कारण ही ये सब कुछ हुआ. तो यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि ए वॉज हेल्ड लायबल बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेज वॉज प्रॉक्सिमेट. आगे देखते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि फॉर टेस्टिंग रिमोटनेस ऑफ डैमेज देर आर टू टेस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट और दूसरा है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस. टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, डिफेंडेंट इज लायबल फॉर ओनली कॉन्सिक्वेंसेज विच कैन बी फोरसीन बाई अ रीजनेबल मैन बिकॉज इट इज़ नॉट टू रिमोट. रीजनेबल फोरसाइट में क्या है, एक आम आदमी उसके किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज को जहाँ तक एक आम आदमी देख सकता है कि इसकी वजह से ये हुआ या इसकी वजह से ये हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा रिमोट ना हो, तो इसको बोला गया टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट. दूसरा है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस. अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, डिफेंडेंट इज लायबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज विच डायरेक्टली फॉलोज रॉन्गफुल एक्ट. डायरेक्टनेस में क्या है कि डायरेक्टली उस रॉन्गफुल एक्ट के कारण जो कॉन्सिक्वेंस हुआ या जो चीज़ घटना घटी वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होनी चाहिए, तभी वो लायबल होगा डिफेंडेंट. तो दो तरह के टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट एंड टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस. इसको आगे हम देखेंगे केस लॉज में. In Re-Polemus case, court rejected test of reasonable foresight and applied test of directness. शुरू में क्या हुआ कि court ने जो है शुरुआती दौर में test of reasonable foresight को reject करके और test of directness को apply किया, जैसे कि इसमें हुआ Re-Polemus case में. The defendant hired a ship. He loaded ship with tin of benzene and petrol. Due to leakage of the tins, some petrol collected in on the hold of ship. Due to negligence of defendant servant, a plank fell on the hold and spark caused fire in the whole ship. Ship was burned totally. Here, defendant was held liable, although he could not reasonably foresee. Test of directness was applied. यहाँ पर क्या हुआ, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अप्लाई किया गया और डिफेंडेंट को लायबल बनाया गया, जबकि वो
एक रीजनेबली देखा जाए तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता एक एक आम आदमी कि इसकी वजह से उसमें शिप पे आग लग सकती है। बट यहाँ पे क्या था कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अप्लाई किया गया कि क्योंकि वो डायरेक्टली एसोसिएटेड था ये सारा कॉन्सिक्वेंसेस डिफेंडेंट से। दूसरा केस है स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ रेलवे हीप ऑफ ड्राई ग्रास विच वॉज कलेक्टेड इन टू द रेलवे कंपाउंड कॉट फायर एंड बिकॉज ऑफ विंड प्लेंटिफ्स कॉटेज वॉज बर्न। यहाँ पर क्या हुआ कि रेलवे के नेग्लिजेंस से वहाँ पर उसके कंपाउंड में ड्राई ग्रास रखा था जिस जो कि जल गया, और विंड की वजह से हवा की वजह से पास में प्लेंटिफ का एक कॉटेज था जो कि कॉटेज भी बर्न हो गया। हेयर डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लाइबल। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस वॉज अप्लाइड। यहाँ भी टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अप्लाई किया गया और रेलवे को लाइबल बनाया गया क्योंकि रेलवे की वजह से ही डायरेक्टली एसोसिएटेड था रेलवे इस घटना से, इसलिए यहाँ पे भी टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अप्लाई किया गया। बट आफ्टर सम टाइम प्रीवी काउंसिल रिजेक्टेड द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस एंड सेड इट इज़ नॉट रेलेवेंट। कुछ समय के बाद प्रीवी काउंसिल जो कि यूके में हुआ करता था, उसने जो है ये कहा कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस जो है अब रिलेवेंट नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और बहुत ही रिनाउंड केस है वैगन माउंड केस। अ वेसल वॉज चार्टर्ड बाई अ प्लांट। वेन वेसल वॉज टेकिंग फ्यूल ऑयल एट सिडनी पोर्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अ प्लांट सर्वेंट लार्ज क्वांटिटी वॉज ऑफ ऑयल वॉज स्प्रेड ऑन वाटर अबाउट 600 फीट। द रेस्पॉन्डेंट वॉज हैविंग वर्कशॉप वेयर सम वेल्डिंग एंड रिपेयर वर्क वॉज गोइंग ऑन। आफ्टर 60 आवर्स द ऑयल कॉट फायर एंड होल वर्कशॉप वॉज डिस्ट्रॉयड एंड इनकर्ड हैवी लॉस। इन दिस केस ट्रायल कोर्ट अप्लाइड टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस एंड हेल्ड अ प्लांट लाइबल। बट आफ्टर अपील द प्रीवी काउंसिल डिसाइडेड दैट द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस इज नो गुड लॉ एंड अप्लाइड टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट एंड हेल्ड अ प्लांट नॉट लाइबल। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था कि एक वेसल में फ्यूल लेते वक्त कुछ नेग्लिजेंस के कारण जो है वो फ्यूल वाटर में फैल गया और पास में ही 600 फीट की दूरी पर रेस्पॉन्डेंट का एक वर्कशॉप था, वहाँ पे कुछ वेल्डिंग वर्क चल रहा था। करीब 60 घंटे के बाद जो है उसके वो धीरे धीरे पानी से किरा पानी में स्प्रेड होते होते उसके वर्कशॉप के पास पहुंच गया और वहाँ पे उस किसी तरह से उस पर फायर आग लग गई और उसका पूरा वर्कशॉप जो है उस ऑयल जो स्प्रेड हो गया था वाटर पे उसके कारण उसका वर्कशॉप जल गया और डिस्ट्रॉय हो गया। तो पहले तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने जो है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अप्लाई किया और उसको लाइबल बना दिया अपेलेंट को, लेकिन प्रीवी काउंसिल ने टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को जो है हटा करके टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को अप्लाई किया और अपेलेंट को लाइबल नहीं ठहराया क्योंकि अपेलेंट को ये तो पता नहीं था कि ये ऑयल बहते बहते कहाँ तक पहुँच सकता है या इसकी वजह से इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। तो बहुत रिमोट मतलब ज़्यादा दूर तक इतना एक आम आदमी जो है एक रीजनेबली नहीं सोचा जा सकता। तो इस केस में हमने देखा कि इस टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को अप्लाई किया गया। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इट इज़ टोटली फ्री। थैंक यू।